हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टीयूसी आज हम करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर सो लेट्स बिगिन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग एट टू थ्री मीटर पर सेकेंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दिया नो लैमडा इज इक्वल टू एच बाय मास इन टू वेलोसिटी So, H Planck's constant 6.6 .6 times 10 raised to minus 34 divided by mass of proton is 1.67 times 10 raised to minus 27 times velocity is 10 raised to 3 meter per second. So, after calculating, you will get the answer B. That was a simple straightforward question. Question number 14. A stream of electrons from a heated filament was passed between two charge plates. स इफ इन एम आर चार्ज एंड मास इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवलीफ एच बायन बाय हमने जब रिविजन वीडियो किया था तो लैमडा का देव लेंथ का फॉर्मूला निकाला था एच बाय रूट ऑफ टू एम मास मासक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस राइट right? सो so, अभी क्वेश्चन है कि एच बायड़ा इज गिवन बाय सो आंसर विल बी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड्स इज गिवन लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड्स इज गिवन बाय सो आंसर आपको चाहिए नैनोमीटर में राइट right? वन मीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस नाइन नाइनोमीटर अब एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई अब एनर्जी आपको दिया किलो जूल पर मोल में टू फोर्टी टू जूल में कन्वर्ट कर दीजिए टाइम्स टेन टू थ्री डिवाइडेड बाय पर मोल वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री इतना होता है सो एच प्लांस वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू माइनस थर्टी फोर

तो सिंपल है हमें देखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और एनएस टू से तो प्लस टू आ ही जाएंगे तो एनएस टू से एनएस वन से प्लस वन यहाँ पे एनएस टू से प्लस टू यहाँ पे एस टू से एनएस टू से प्लस टू ठीक है अब डी के देखते हैं यहाँ डी में टेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे डी फाइव है दैट मीन सारे अनपैड हैं सो यहाँ से प्लस फाइव मिल गया यहाँ से भी प्लस फाइव मिल गया डी थ्री से प्लस थ्री मिल गया D8, D8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ये देखिए तो so, पे आप पांच डब्बे बना दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने मिले दो ही मिले टू सो यहां पे आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया प्लस सेवन यहां पे हो गया प्लस सिक्स यहां पे हो गया प्लस फाइव यहां पे हो गया प्लस फोर आपको पूछा है हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो आंसर रहेगा आपका ए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज सेम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज so, सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं सीओ टू सीओ टू इज सिक्स प्लस ए टू जिक्सटीन तो ये हो गया सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू कॉमा एनओ टू एनओ टू इज सेवन प्लस सिक्सटीन इज नथिंग बट सिक्सटीन प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए दोनों ऑप्शन ए नहीं दूसरा ऑप्शन देखते हैं एन सेवन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और दे दो विच विल बीजॉल टू सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री हो गया यहाँ पर और सीओ टू का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ट्वेंटी टू मैच हुआ नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन देखते हैं सी में है कार्बन सिक्स प्लस नाइट्रोजन सेवन यहां पे माइनस है दैट मीन और एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो सेवन फोर्टीन और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्स प्लस एट विच इज इक्वल टू फोर्टीन अब दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सी एन माइनस और Co में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना सो so, इसमें भी फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स दैट मीनस दे आर आईसो इलेक्ट्रॉनिक द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द थर्ड ऑर्बिट पूछा है ठीक है सबसे पहले तो नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मला क्या है नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मला है बच्चों इज इक्वल टू सरकम फ्रेंस बाय लैमड़ा और ये लैमड़ा का वैल्यू किस में होगा थर्ड ऑर्बिट में क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में पूछा है राइट ओके लैमडा इज गिवन बाय एच बाय वी अब क्योंकि मुझे लैमड़ा ढूंढना है दैट ढूंढना है तो मुझे एच पता ही है मास पता ही है और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ढूंढना पड़ेगा तो अब हम किसकी मदद लेंगे एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाए राइट अब एन दैट मीन्स कौन सा ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट है सो थ्री एच बाय टू पाएर ये आर को इधर ले आओ So, यहां पे हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू थ्री एच बाय टू पाई आर अब ये एम वी के वैल्यू यहां पे सब्सट्रीब्यूट कर दो इट विल बी इज इक्वल टू एच बाय थ्री एच बाय टू पाई आर एच एच कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला ये टू पाई ऊपर चले गए टू पाई आर बाय थ्री सो लैमडा इज इक्वल टू टू पाई आर बाय थ्री और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कुलर ऑर्बिट है टू पाई आर डिवाइडेड बाय का वैल्यू टू पाई आर बाय थ्री टू पाई आर टू इक्वल टू थ्री नंबर ऑफ द वेव इज थ्री डी ऑप्शन वेव लेंथ हंड्रेड नैनोमीटर विच कैन प्रोवाइड वन जूल ऑफ एनर्जी इज नियरली देखो यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अब ये जो एनर्जी है ये है एक फोटोन की ठीक है एक फोटोन भी सो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर एंड वन जूल ऑफ एनर्जी इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स ढूंढना है तो हम सिंपली क्या करेंगे एन टाइम्स एच न्यू और अब फर्दर इसको फॉर्मुला में कर दीजिए एच सी बाय लैमड़ा अब एनर्जी इन आपको किस दी हुई है जूल्स में दी हुई है वन जूल इज इक्वल टू एन वेलोसिटी ऑफ द लाइट आपको 100 नैनोमीटर में दिया हुआ है वन नैनोमीटर वन मीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस नाइन नैनोमीटर सो 100 नैनोमीटर आप क्या करेंगे टाइम्स टेन रेस टू माइनस नाइन आई एम सॉरी टेनरेज टू नाइन नैनोमीटर होता है ठीक है सो माइनस नाइन आ जाएगा टाइम्स टेनरेस टू माइनस मीटर में आ गया अब आप इसको सॉल्व कीजिए आपको आंसर आएगा टेन रेस टू सेवन ठीक है टू इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स ऑफ फोटॉन वुड कंटेन सफिशियंट एनर्जी टू रेस द टेम्परेचर ऑफ टू ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन यूज दिया हुआ है ठीक है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ फोटोन आपको बोला है तो सबसे पहले तो आप एनर्जी इन जूल्स पर मोल ढूंढिए एनर्जी इन जूल्स पर मोल आपके हो जाएगी एच न्यू तो पर मोल करने के लिए टाइम्स कर दीजिए आप 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स टेनरेज टू ट्वेंटी थ्री टाइम्स सिक्स पॉइंट सिक्स टाइम्स टेनरेज टू माइनस थर्टी फोर सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है टू पॉइंट फोर फाइव टाइम्स टेनडेस टू नाइन अब जो भी आपको आंसर आएगा एक्स इट विल बी इन जूल पर मोल राइट नेक्स्ट अब दूसरी एनर्जी ढूंढिए इन जूल्स वो कहां से ढूंढने के आपको स्पेसिफिक हीट से मिल जाएगी है मास टाइम्स स्पेसिफिक आपको डिफरेंस लेना है डेल्टा टी होगा सो डेल्टा टी यहां पर कितना आ गया सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस मास ऑफ द वाटर इन ग्राम्स में ही रखना है आपको क्योंकि यूनिट देखिए यहाँ पर ग्राम्स में होता है कि सर डिग्री सेल्सियस यहां पर दिया और कैलविन यहां पर दिया अगर आप इसको कैंडल में कन्वर्ट करोगे तो भी आप डिफरेंस लाओगे तो भी आपका सेवेंटी फाइव ही आएगा सो यहां पर आपको आ जाएगा वाइट जूस So, आपकी नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको बोलते हैं ई वन इसको बोलते हैं ई टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ फोटोन पूछा है ना सो so, आप इज इक्वल टू वाई जूल पर एक्स जूल पर मोल करेंगे तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा और जो भी वैल्यू मिलेगा वो किसका आएगा आपको मोल्स का आंसर आएगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन सो आपका आंसर होगा सेड सेवन पॉइंट टू टू टाइम्स टू फोर मोल रेडियस एन डीप्रॉगलीस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज ए वन रेडियस इन एनी ऑर्बिट इज गिवन एज आर वन टाइम्स एन स्क्वेयर राइट सो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी इज इक्वल टू आर वन इज ए वन टाइम्स थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए वन सो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट मिल गया अब क्वेश्चन में ये पूछा है डी ब्रॉगली वेबलेन्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट डी ब्रॉगली वेव लेंथ इज गिवन बाय लैमडा इज इक्वल टू एच बाय डॉट वी एच इज कॉन्स्टेंट मास इज कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी अब वेलोसिटी को कन्वर्ट करेगा आपको मिलेगा फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पा अब कौन सा ऑर्बिट का पूछा है यहां पर थर्ड ऑर्बिट तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे थ्री थ्री एच बाय टू पाई एम वी आर आप क्या करेंगे एम वी की जगह पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे एम डॉट थ्री एच बाय टू पाई राइट और यहां पे आ जाएगा आर सो इट विल बी टू पाई आर एच एच कैंसल टू पाई आर बाय थ्री एम अब यहां पे आप एम बी कैंसिल कर दोगे राइट वेलोसिटी एम बी नीचे आ गया टू पाई आर डॉट एम सो एम बी आपका कैंसिल हो गया अब बचा सिर्फ आपके पास आर ये आर कौन सा है थर्ड ऑर्बिट का तो so, यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए टू पाई टाइम्स नाइन डॉट ए वन डिवाइडेड बाय थ्री थ्री वन थ्री थ्री टू सा सिक्स आपका आंसर है जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। वेन मेटल इज इराडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स टू फिफ्टीन hertz, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है टू टाइम्स एंडेज टू फिफ्टीन hertz. और काइनेटिक एनर्जी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइनटीन अब देखिए यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट में क्या होता है ये मेटल सर्फेस है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस मेटल सर्फेस से बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको फोटोन से हिट करेंगे लेकिन फोटोन को हिट करने से कुछ नहीं होता यहां पे इलेक्ट्रॉन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेश ओल्ड फ्रिक्वेंसी और जो आप फोटोन आप इस पर फेंकोगे या फिर हिट करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू न्यू सो ये न्यू और ये न्यू नॉट दोनों में ऐसा क्या होना चाहिए क्या रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा योर न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट ओके लेट्स अगर इसका मैग्नीट्यूड 15 है इसका मैग्नीट्यूड 10 है डिफरेंस आ गया आपका फाइव तो ये बाकी का फाइव किधर चला गया बाकी का फाइव जाएगा ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ट्रेवल करेगा विथ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो उसमें चला गया सो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट तो देंगे ही प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी भी देंगे ठीक है सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट विल बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एच बाहर निकल गया न्यू माइनस न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी आपका न्यू नॉट माइनस न्यू न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी टू काइनेटिक एनर्जी बाई एच काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है आपको दिया हुआ है आप इसकी वैल्यू निकालिए और यहां से सब कर दीजिए न्यू की वैल्यू तो आपको न्यू नॉट मिल जाएगा सिंपल था क्वेश्चन सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी ऑफ

पता करनी है। अब दोनों का वेवलेंथ इक्वल है तो एच और एच कैंसिल हो गया सो so, हमें क्या मिल गया एम ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एम पी ऑफ़ प्रोटॉन, टू ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मास ऑफ 1837 इलेक्ट्रॉन्स इज़ नथिंग बट द मास ऑफ तो यहां पे सब्सट्रूट कर देते हैं 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट डॉट वी सो एम ई एम पे कैंसिल हो गया सो एक्स इज इक्वल टू वन एट थ्री ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स बाय क्वेश्चन में आपको 1840 जीरो दिया हुआ है दैट्स फाइन सो हम 1840 ले लेते हैं तीन इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है

आर वन टाइम्स एन स्क्वेर बाई जेड ठीक है सो यहां पे आपको z का वैल्यू निकालना है सो देवल टू आर वन टाइम्स एन स्क्वेयर बाय आर एन विच इज इक्वल टू आर वन टाइम्स कौन से ऑर्बिट में ढूंढना है फोर्थ ऑर्बिट में सो फोर्थ स्क्वायर करेंगे दैट इज सिक्सटीन डिवाइडेड बाय आर एन इज नथिंग बट वन पॉइंट फाइव आर वन सब्सिट्यूट कर दिया r1 r1 कैंसिल हो गया सो so, 160 15 रफली कैलकुलेशन करेंगे 10.7 के आसपास आपको आंसर आएगा विच इज नथिंग बट एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 सो एटॉमिक नंबर आपको कितना मिल गया 11 11 एटॉमिक नंबर किसका है सोडियम का अब न्यूट्रल स्टेट में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 11 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s1 लास्ट so, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है सॉरी कौन से में है थ्री एस सो आंसर इज थ्री आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए थैंक यू वेरी मच अ गुड डे